मामा ये देखिए ना, वो करीना करिश्मा दुकान है ना, वहाँ की लेटेस्ट डिजाइन का ड्रेस है, कैसा लग रहा है? ए, चल 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 कुमारी, तुझे ना कोई देखने नहीं वाला, सब लड़कियों की नजर मुझ पे ही होगी, और लड़के वो तो जल जल के जल ही जाएंगे। अच्छा दिया, तू जाके काम करना, खुद तो कुछ करती नहीं। हे भगवान, अब तो मुझे भी कोई नहीं देखेगा। क्या भैया, दो मिनट लेट नहीं आ सकते थे? क्यों क्यों, क्या लाओ मुझे दो। अरे छोड़, तेरे लिए नहीं, हट। काका अच्छे लग रहे हो। जीवित नहीं, जीवित नहीं, ये आपके लिए, खोल के देखो। बात छे, भूले बिसरे गीत सरस जी, नहीं आ सरस छे। सुंदर बात के लिए मौसी मैम, ये शॉल आपके लिए। वाव, ये रेशमी काम तो मामी को बहुत पसंद है। वो क्या है ना, मामी को ठंडी भी सबसे ज्यादा लगती है। आपके घुटने में बहुत दर्द रहता है ना, इससे आपको आराम आएगा। हो गया भैया, मतलब सबको तो गिफ्ट्स मिल गई, अब हमारी गिफ्ट्स? मेरे पास है। सबसे पहले छोड़, पैर कौन छुएगा? जीव तेरे मारे दिख रहे। थैंक यू मामा। ये मेरी कुसुम के लिए। जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाए बेटा। सदा सुखी तेजो। ये तुम्हारे पैर छो। बस बस बस। ओए कुमारी, कुमारी कुमारी कुसुम, अब तू देख, मुझे किसी काम के लिए बोला, आऊंगी नहीं। यानी अच्छा लड़का है, उसको सता मत तू। सरस जी, छत पे से कंदील लिया जी। आओ हम सब पूजा की तैयारी करते हैं। हेलो बहू रानी, कैसे हैं आप? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ फोन करने की? आप गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो बस आपका हाल जानने के लिए आपको फोन किया था।
पुराना नाता जो है आपसे। तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज बाजार में जो हुआ उसके बाद भी नहीं। क्या हुआ बाजार में? लोग गिर गए भाव सोने के। इतनी बेइज्जती, वो भी सबके सामने। अब देखिए, जाने दीजिए बोरानी, मेरा मुंह ना ही खुलवाए तो ही अच्छा है। कलिका, तुम क्या बकवास कर रही हो? इतनी पागल हूं ना मैं, अब आपको कैसे पता होगा? आपको तो किसी ने बताया नहीं होगा ना। इसे सारा बखेड़ा आप ही की वजह से खड़ा हुआ। तुमने बताने के लिए फोन किया है ना, तो बकवास बंद करो और बताओ। तो सुनो, पूरी नौटंकी वो भी फ्री में। ये तो बहुत बुरा लगा सच में। दिवाली के दिन इतनी बेइज्जती। वैसे हाँ, सबको मेरी तरफ से शुभ दीपावली कह देना। बड़ी माँ को तो खास करके कहना, उनकी इज्जत की तो ज्यादा तरजीह हो रही है। बेटा, बर्फी तो बड़ी अच्छी लग रही तुमने बनाई ना। इसे साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। दिया जितना जलता है कालिक उतनी ही बढ़ती है। कुमुद, ये साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना कि दाग नहीं मिटते, और मेरी जिंदगी का ये दाग कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं। हुआ क्या कुमुद? आज माँ, बाबू, बड़ी माँ मेरे सामने सब नाटक कर रहे हैं, खुश होने का नाटक। आज मेरी वजह से उन्हें इतना पास रहना पड़ा और वो कुछ नहीं कर पाए। मेरी गलती का बोझ उठाकर वो घूम रहे, लेकिन अंदर से वो टूट चुके हैं। मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। मेरी सजा कभी खत्म नहीं होगी। मैं तुम्हारा कभी नहीं हंस पाऊंगी। ना मैं और ना मेरा परिवार। संभालो अपने आप को। बड़ी माँ का सबके सामने अपमान हुआ, बड़े बाजार में, और वो चुप रहे। उन्हें देखकर मैं हार गई सरस। मुझे जितने ही तुम्हारा मौका नहीं देगी, ये लड़ाई में हार चुकी। मैं